गाजियाबाद की साइबर सेल टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साइबर टीम और थाना इंदिरापुरम पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा किया है, साथ ही तीन अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार हुए ठग हर्बल प्रोडक्ट की आपूर्ति और एक्सपोर्ट के बिजनेस का झांसा देकर लोगों को अपनी ठगी के जाल में फंसाते थे। पुलिस ने इन ठगों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 47 डेबिट कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ साथ 1,00,000 रुपए की नकदी और एक कार बरामद की है। बता दें कि बीते महीने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के नीति खंड निवासी राजेश यादव को हर्बल प्रोडक्ट की आपूर्ति और निर्यात के बिजनेस का झांसा देकर उनसे करीब 20,00,000 रुपए की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराकर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया था, जिसका खुलासा गाजियाबाद की साइबर सेल पुलिस द्वारा किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी आशीष जायसवाल, उमेश शुक्ला और सत्यम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आशीष जायसवाल ठगी गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हर्बल प्रोडक्ट बेचने के नाम पे, बिजनेस करने के नाम पे जो है ईमेल के माध्यम से जो है उनको वादी को जो झांसा दिया गया था कि आप जो है ये बिजनेस करिए और इसमें काफ़ी फ़ायदा है, ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, और उस झांसे में वो आ गए और उन्होंने विभिन्न खातों में लगभग 20,00,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए थे, जिसमें हमारी टीम कई दिनों से लगी हुई थी। और उसके बाद से तीन साइबर फ्रॉडस्टर की गिरफ्तारी की गई है। जब पूछताछ की गई तो इसमें जो है मेन जो अभियुक्त है आशीष जायसवाल है, मास्टरमाइंड, उसके बाद उमेश शुक्ला और सत्यम कुमार। आशीष जायसवाल के विरुद्ध जो है पूर्व में जो है इंदौर मध्य प्रदेश और विभूतिखंड कमिश्नरेट लखनऊ में एक एक अभियोग यानी 2 अभियोग पूर्व में पंजीकृत है। इसके अलावा जो है जब हम लोगों ने इसमें तलाशी ली तो कुल मिला के इसमें 7 अदद मोबाइल फ़ोन, 47 अदद डेबिट कार्ड, 2 अदद क्रेडिट कार्ड, आधार पैन कार्ड, 1,00,000 रुपए और एक गाड़ी बरामद हुई है। गाजियाबाद के एडिशनल DCP क्राइम सच्चिदानंद का कहना है कि अभी इस पूरे मामले में और भी साक्ष्य जुटाए जाने बाकी हैं। एडिशनल DCP ने बताया है कि किसी अयोध्या नाम के शख्स पर 35 अकाउंट ओपन कराए गए थे, जिनमें पैसे का ट्रांजैक्शन कराया गया था, जिसकी जांच की जा रही है। अयोध्या नाम का एक व्यक्ति है जिसके नाम से 30 से 32 करेंट अकाउंट खुले हुए हैं और एक SK इंटरप्राइजेज नाम से फर्जी एग्रीमेंट बना के फर्म भी रजिस्टर्ड कराई गई है। तो इसी के खाते में सारा ये लोग पैसा मंगाते थे, इसका खाता प्रयोग हुआ है और इसके खाते से पैसे निकाल के ये लोग जो है आपस में पूरा गैंग जो है बांट लेता था। इसमें अभी एक अकरम है मुल्ला दिल्ली का और शुभम उर्फ गोलू, जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस संबंध में अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। बता दें कि इस गैंग के 2 सदस्य शुभम उर्फ गोलू और मुल्ला अकरम व अन्य साथी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है।